नाम से बाहर जा रहे, हमारे नाम से बाहर जा रहे। और इसलिए बाबा साहब ने जो बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया का निर्माण किया, निर्माण करते ही इसको वर्ल्ड फेलोशिप ऑफ बुद्धिस्ट का मेंबर भी बनाया। ये हम लोगों को मालूम ही नहीं था। जब मैं ये सारा रिसर्च कर रहा था तब मुझे इंटरनेट पर से ये न्यूज मिली, ये इंफॉर्मेशन मिली कि बाबा साहब अंबेडकर जी ने बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया को वर्ल्ड फेलोशिप ऑफ बुद्धिस्ट में रजिस्टर कराया है, जिसके 34 से भी अधिक देश मेंबर है, 150 से भी ज्यादा संस्थाएं वहां पर मेंबर है। सभी के ईमेल्स, सभी के फोन नंबर, सभी के फैक्स मेरे पास आज मौजूद है। इन लोगों को एक मेल भी मैं अगर डालता हूं तो सारे के सारे देश तुम्हारी मदद के लिए आ सकते हैं। इतनी पावर आज बाबा साहब अंबेडकर हमारे हाथ में दे गए हैं, लेकिन हमको पता ही नहीं है। इतनी पावर हमारे पास है, इतनी पावर होने के बावजूद हम लोग आपस में ही लड़ रहे हैं। इतनी पावर होने के बाद भी आज हम लोग ये सारा क्यों नहीं खड़ा कर पाए। बाबा साहब अंबेडकर जी ने 1956 तक उनका राइटिंग, बाबा साहब अंबेडकर लिख रहे थे, लास्ट का जो उनका राइटिंग है, जो बुद्धायनी धम्मा का जो प्रीफेस है, वो बाबा साहब अंबेडकर जी मेरे ख्याल से 2 दिसंबर तक कंप्लीट कर रहे थे। यानी 2 दिसंबर 1956 तक बाबा साहब अंबेडकर जी के सारे लिटरेचर निकालो और उन लिटरेचर में इंग्लिश वाले हैं, क्योंकि बाबा साहब अंबेडकर जी ने सारे बुक्स इंग्लिश में लिखे, मराठी में, हिंदी में ज्यादा बुक्स कोई लिखे नहीं है, होगा तो भी कुछ 10-15 पेजेस का होगा। लेकिन जितने भी मेजर बाबा साहब अंबेडकर जी के राइटिंग्स है वो इंग्लिश में। मैं आप लोगों को विनती करूंगा, चैलेंज नहीं करूंगा, विनती करूंगा कि इतने सारे लिटरेचर में कहीं पर भी अगर बाबा साहब अंबेडकर जी ने दलित शब्द अगर यूज किया हो तो मुझे बताइए। यानी 1956 तक बाबा साहब अंबेडकर दलित शब्द का कहीं पर भी यूज नहीं करते, कहीं यूज नहीं करते। फिर ये दलित शब्द कब आया? 56 के बाद। यानी ये शब्द जो है ये जानबूझकर लाया गया। 56 को बाबा साहब अंबेडकर जी ने हम लोगों को बौद्ध बनाया, तो हम लोगों को क्या टर्मिनोलॉजी मिलनी चाहिए थी? बौद्ध। ये बौद्ध है, इसके ऊपर अन्याय हुआ, बौद्ध के ऊपर अन्याय हुआ, इसके ऊपर अत्याचार हुआ, बौद्धों के ऊपर अत्याचार हुआ। ये न्यूज हर एक पेपर में होनी चाहिए थी, लेकिन न्यूज क्या आती है? दलितों के ऊपर अन्याय, दलितों के ऊपर अत्याचार, दलितों को पीटा गया, दलितों को मारा गया, मारा बौद्धों को जा रहा है, बताया दलितों को जा रहा है। ये क्यों हो रहा है मालूम है? ये एक षड्यंत्र का हिस्सा है। दलित ये नाम आप लोगों के लिए नहीं है, ये उन बौद्धों के लिए है जो आपके मदद के लिए आज भी तैयार बैठे हैं। जापान के बौद्ध के लिए है। इस देश में अगर किसी के ऊपर अन्याय अत्याचार होता है तो जापान के बौद्ध को बताया जाता है भारत में किसी दलित के ऊपर हुआ है। वो मदद करने के लिए आपके पास आने के लिए रेडी है, लेकिन उसको लगता है कोई दलित होगा, हमारा क्या लेना देना। इस तरह से जितने भी देश में बौद्ध राष्ट्र है सारे के सारे आपके पास आने से रुक गए, वो आज भी आपके पास नहीं आते। वो उनको पता ही नहीं कि आप लोग और वो लोग एक ही है। आप भी बौद्ध हो, वो भी बौद्ध है। मुंबई में 6 दिसंबर को देश विदेश से लोग आते हैं, जैसे आज यहां पर बंते जी बैठे हैं, थाईलैंड से बंते आते हैं, श्रीलंका से आते हैं। हम लोग शिवाजी पार्क में, मुंबई में शिवाजी पार्क है, वहां पे प्रोग्राम लेते हैं, बंते जी को आमंत्रित करते हैं, तो बंते जी आते आते ये जो ग्राउंड है उसकी मिट्टी उठाते हैं और उनके झोले में डालते हैं और लेके जाते हैं। हमने उनको पूछा ये मिट्टी क्यों लेके जा रहे हैं, तो ये कहते हैं कि ये बुद्ध की भूमि है और आज हम लोग बुद्ध की भूमि में आए हैं, ये मिट्टी हम लोग हमारे देश में लेके जाएंगे और वहां पर जाके उसकी पूजा करेंगे। तो सोचो जो बौद्ध भिक्खु इस देश की मिट्टी, अगर इतनी सी मिट्टी लेकर जाकर वहां पर जाके पूजा कर सकता है, तो वहां के बौद्ध तुम्हारी रक्षा करने के लिए नहीं आ सकते क्या? वो सारे तुम्हारी रक्षा के लिए, तुम्हारी व्यवस्था के लिए आ सकते हैं, लेकिन उनको बताया जाता है कि ये दलित है, ये तुम्हारे लोग नहीं है। और सिर्फ बाबा साहब अंबेडकर जी के बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन नहीं, मैं वर्ल्ड फेलोशिप ऑफ बुद्धिस्ट का भी कॉन्स्टिट्यूशन
माइन्यूटली पढ़ा। मैंने सोचा कि बाबा साहब अंबेडकर जी का कॉन्स्टिट्यूशन और वर्ल्ड फेलोशिप ऑफ बुद्धिस्ट वर्ल्ड फेलोशिप ऑफ बुद्धिस्ट का कॉन्स्टिट्यूशन इतना मैच कैसे होता है। तब मुझे आंसर मिला, बाबा साहब अंबेडकर जी ने बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया के माध्यम से इस देश में स्कूल्स, कॉलेजेस, हॉस्पिटल्स, ऑर्फनेजेस, सेमिनरीज ये सारा निर्माण करने के लिए कहा। स्कूल कौन से? जो इस देश में साइंटिफिक रीजनिंग करने का ट्रेनिंग दे, जो इस देश में रिलीजियस स्टडीज करने के लिए प्रेरित करे, धार्मिक शिक्षा इस देश के लोगों को मिलनी चाहिए। आज हम लोग यहां पर बहुत लोग बैठे हैं, वर्षावास आप लोग करते होंगे। वर्षावास में हमारे लोग क्या करते हैं? बुधायनी सम्मा ग्रंथ निकालते हैं और 3 महीने वो ग्रंथ पढ़ते हैं। हर साल यही कार्यक्रम है, हर साल। और जिस तरह से हम लोग ये आचरण कर रहे हैं, हिंदू लोग भी वही कर रहे हैं। हिंदू लोग उनके जो महीने आते हैं, महीना आता है, गीता निकालते हैं, हर साल गीता पढ़ते हैं। मुस्लिम भी वही कर रहा है, मुस्लिम के रमजान के महीने आते हैं तो वो इस्लाम का ग्रंथ निकालता है, कुरान निकालता है, वो हर साल कुरान पढ़ता है। क्रिश्चियन भी वही कर रहा है, हर साल बाइबल पढ़ता है। हर साल हम लोग ये सारे किताबें, अलग अलग जाति धर्म के लोग हर साल वही कर रहे हैं। हमारी अवस्था कैसी हो गई मालूम है? आप लोगों ने कभी घोड़ा गाड़ी देखी है? घोड़ा गाड़ी, उस घोड़े को आप अगर माइन्यूटली देखो तो उसकी आंखों के ऊपर ऐसी दो पट्टियां लगी हुई है। वो क्यों लगाते हैं मालूम है? ताकि वो घोड़ा इधर उधर ना देखे, वो सामने देखे और सामने देखकर चले। हम लोगों की अवस्था भी वैसी हो गई। हम लोग बुधायनी सम्मा ये पढ़ते हैं, कुरान हमको, हम कुरान में क्या लिखा है वो जानने की कोशिश नहीं करते। हिंदू धर्म के ग्रंथों में क्या लिखा है ये इस देश का आदमी जानने की कोशिश नहीं करता। मैं बौद्धों की बात नहीं कर रहा, मैं इस देश के लोगों की बात कर रहा। हिंदू आदमी कुरान में क्या लिखा है ये जानने की कोशिश नहीं करेगा। मुस्लिम आदमी हिंदू के ग्रंथों में क्या लिखा है ये जानने की कोशिश नहीं करेगा। और इसलिए ये तोड़ने के लिए बाबा साहब अम्बेडकर ने कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा, टू अंडरटेक कंपैरेटिव स्टडी ऑफ ऑल रिलीजन्स। भारत के लोगों को सभी धर्मों का तुलनात्मक अभ्यास कराया जाए। इससे क्या होगा? भारत के लोग चाहे वो किसी भी जाति धर्म के हो, हिंदू हो, मुस्लिम हो, क्रिश्चियन हो, बौद्ध हो, पारसी हो, जैन हो, सभी लोग सभी धर्म ग्रंथों का अध्ययन कर रहे हैं। यानी एक इंसान अगर वो हिंदू है तो वो गीता भी पढ़ रहा है, बाइबल भी पढ़ रहा है, कुरान भी पढ़ रहा है, बुधायनी सम्मा भी पढ़ रहा है, ये सारे ग्रंथ पढ़ रहा है। और मैं गारंटी के साथ कहता हूं, अगर तुलनात्मक अभ्यास इस देश में सभी ग्रंथों का सभी जाति धर्म के लोगों को अगर कराया जाए, वो कंक्लूजन में, अंत में वो इंसान बौद्ध धर्म के ओर जाएगा, ये मुझे गारंटी है। क्योंकि सारे धर्म ग्रंथ अगर हम लोग कंपेयर करके पढ़ते हैं, कुरान में क्या लिखा है, अभी फिलहाल एक 5 दिन पहले दारुल उलूम ने एक फतवा निकाला है कि मुस्लिम महिलाओं ने आईब्रोज ये करने नहीं है, आईब्रोज ही नहीं करने। अभी पता नहीं वो क्या उसमें लॉजिक है, लेकिन महिलाओं के ऊपर इतने निर्बंध है। भागवत ने अभी कहा, NDTV पे मैंने परसों की न्यूज सुनी, मोहन भागवत कहता है कि इस देश में ये जो शादी की व्यवस्था है ये कॉन्ट्रैक्ट है। कॉन्ट्रैक्ट, पति ने पैसे कमाने हैं और उसके बदले में पत्नी ने उसको सर्विस देनी है, उसके घर का काम करना है, उसके कपड़े लत्ते धोने हैं, सारे सुख उसको देने हैं। अगर दोनों में से कोई भी अपना कॉन्ट्रैक्ट ठीक से नहीं निभाता तो वो छोड़ सकता है। हिंदू धर्म क्या कहता है महिलाओं के प्रति? कि ये उपभोग की साधन है, इसको कोई अधिकार नहीं देना चाहिए। तो सोचो, भारत की महिलाओं ने चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, क्रिश्चियन हो, जैन हो या बौद्ध हो, महिला हो, ये सारी महिलाओं को अगर ये बात पता चल गई कि कुरान क्या कहता है, हिंदू धर्म क्या कहता है और बौद्ध धर्म क्या कहता है, ये बात अगर उसको पता चल गई तो वो क्यों कौन से धर्म के हो जाएगा। आज इस मंच पे
भिक्कू ने बैठी है ना। किसी ने कहा कि नहीं नहीं आप बुद्ध के पैर को छू नहीं सकती, आप महिला है। किसी ने कहा भिक्कुनी को ये अधिकार खुद बुद्ध ने दिए। खुद बुद्ध जिस धर्म के संस्थापक है वो क्या कहते हैं कि मैं जो कहता हूं उसको मत मानो। खुद एक ब्रह्म के संस्थापक है वो खुद कहते हैं कि मैं कहता हूं इसलिए मत मानो। अपनी बुद्धि की कसौटी पे के रगोड़ के देखो, अगर सच लगता है, अगर सही में उसका यूज होता है तो उसको अपनाओ, वरना उसको छोड़ दो।